लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में एक नया मामला सामने आया है, जहां पर 5 दिन पहले घर से गायब व्यक्ति की नदी में शव होने की आशंका में परिजनों के अनुरोध पर उप जिलाधिकारी इंद्रकांत द्विवेदी के आदेश पर नायब तहसीलदार रामदेव निषाद ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की नकवा नदी में NDRF की टीम के साथ मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, परंतु लगभग आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद भी शव नहीं मिल सका। पलिया कला क्षेत्र के मोहल्ला मंसूर नगर निवासी अंजुमन निशा के पति अल्ताफ बीते 5 दिनों से अपने घर पे कहीं चले गए थे, जिसके खोने की तहरीर परिजनों ने कोतवाली पुलिस को दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हुई। दिन था हमारा आदमी 7-8 बजे का गायब हुआ है, जब उनको सुनने को मिला तो हम घूमने निकले शाम के टाइम। दिन हमने कहा दिन भर काम करते रहे, जब शाम को टाइम हम घर पहुंचे तो हमको सुनने को मिला तो हम वहाँ पर देखने आए। हमको लोगों ने बताया चौराहे पर कि तुम्हारा आदमी बस के ऊपर बैठ के गया है, तो फिर हम यहाँ पर आए तो हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपको यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पर वो हो सकते हैं? उनकी परंपरा आते जाते हैं यहाँ पर, कभी ना कहीं मिलेगी पानी फेंकेगा। तो हम कल आए थे, दरअसल एक व्यक्ति अल्ताफ पुत्र फिदा हुसैन 12 तारीख से लापता है, जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बताया गया है। उनके परिजनों ने आज बताया मुझे कि सर कोई डेड बॉडी जैसी चीज़ तैर रही है नदी में और उसको देखवा लिया जाए, हो सकता है हमारे पिताजी की डेड बॉडी हो। इसके कारण मैंने NDRF टीम से संपर्क किया, उप जिलाधिकारी महोदय से अनुमति ली और मैंने खुद जा करके देखा। वहाँ देखने पर पाया कि केवल लकड़ी है और जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखाई दे रही थी, जैसा परिजनों ने आशंका व्यक्त किया था, डेड बॉडी न होकर के एक लकड़ी मात्र निकली और मैं खुद गया हूँ। तो क्या शव का कुछ पता चला? अभी यही क्लियर नहीं है कि वो जिंदा हैं कि मृत हैं, कि कहीं रिश्तेदारी गए हैं कि कहाँ गए हैं, अभी ये भी क्लियर नहीं है कि मृत हैं कि जीवित हैं। दरअसल एक व्यक्ति अल्ताफ पुत्र फिदा हुसैन 12 तारीख से लापता है, जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बताया गया है। उनके परिजनों ने आज बताया मुझे कि सर कोई डेड बॉडी जैसी चीज़ तैर रही है नदी में और उसको देखवा लिया जाए, हो सकता है हमारे पिताजी की डेड बॉडी हो। इसके कारण मैंने NDRF टीम से संपर्क किया, उप जिलाधिकारी महोदय से अनुमति ली और मैंने खुद जा करके देखा। वहाँ देखने पर पाया कि केवल लकड़ी है और जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखाई दे रही थी, जैसा परिजनों ने आशंका व्यक्त किया था, डेड बॉडी न होकर के एक लकड़ी मात्र निकली और मैं खुद गया हूँ। तो क्या शव का कुछ पता चला? अभी यही क्लियर नहीं है। SPN 9 न्यूज़ के लिए लखीमपुर खीरी से प्रियांशु गुप्ता की रिपोर्ट।